तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड। हम बनाएंगे आपके साथ डेली सेल्स डैशबोर्ड। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेली सेल्स डैशबोर्ड की। तो जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो ध्यान रखिए, हम एक बार डेटा को अपने हिसाब से देखते हैं। डेटा को जब तक हम अपने हिसाब से नहीं देखेंगे, समझेंगे, तब तक नहीं बना पाए। तो बेसिकली मेरा सेल्स का डेटा है जिसमें हमारे पास यहाँ पे डेट है, किस पर्टिकुलर डेट के, किस पर्टिकुलर टाइम में, किस प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉल्स की गई है, कितने ऑर्डर लिए गए हैं, कितना सेल हुआ और कितना रिटर्न हुआ, और कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन था, और इस चीज को लीड कौन कर रहा था, मतलब कि टीएल कौन सा था। ये मेरा डेटा है, सिंपल सा डेटा है, क्योंकि ये पहली प्रोजेक्ट है डैशबोर्ड की आप लोगों की बैच की, इसलिए हम इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को नहीं डाला और हम एक सिंपल सा रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं। तो जब भी हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट में अब जैसे कि डैशबोर्ड कैसा बनाना है, मैं बैकग्राउंड क्या रखू, तो बेसिकली बैकग्राउंड मुझको व्हाइट ही रखना है। तो हम जाते हैं पेज लेआउट में और इसकी ग्रिडलाइन को हटा देते हैं ताकि बैकग्राउंड हमारी व्हाइट। यहां हम अपना ये रखेंगे, स्लोगन रखेंगे, डैशबोर्ड का जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो रखेंगे, और इसमें हम अपनी कंपनी का लोगो भी रखना चाहते हैं। तो गूगल से जाइए, कंपनी का लोगो वगैरह उठा लीजिए, वो तो बड़ी बात है नहीं क्या। तो जब भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक रो एक कॉलम छोड़ के बनाएंगे ताकि हम उसको एडजस्ट करने में हमको फायदा हो। तो एक रो एंड एक कॉलम हम यहां पे इंसर्ट कर लेते हैं, और यहां तो यहाँ पे दो तीन चार, मैं पांच, यहाँ चार लेके, चार कॉलम लेके मर्ज करता हूं, और यहां अपने कंपनी का लोगो रखना चाहते हैं। तो हमने इंटरनेट से लोगो को कॉपी किया। अब लोगो मेरा बड़ा है, मान लीजिए आईपीटी का लोगो जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे जस्ट इसका आईपीटी वाला पार्ट चाहिए। तो पिक्चर फॉर्मेट में हम जाएंगे और यहां से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, क्रॉप कर लिया, और आईटीवी आईपीटी का पार्ट है सिर्फ उसी को लिया, और यहाँ थोड़ा सा छोटा करके ये जो हमारा ये दिख रहा है ये, और मैं चाहता हूं इसका थोड़ा बॉर्डर हो। तो फॉर्मेट सेल में जाते हैं और बॉर्डर में आते हैं, और कलर जो है थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, मोटा लेते हैं और राउंड बॉर्डर दे देते हैं। चलिए, तो इसको हमने यहां पे सेट कर दिया आईपीटी, और यहां हम लिखेंगे डेली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, और ईयर में 2023 या जो ईयर चाहिए ले सकते हैं। अच्छा, यदि करेंट ईयर आए तो इसके लिए हम यहां पे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा हम इसको डालेंगे, और यहां डालेंगे, और करेंट ईयर के लिए हम सिंपल सा ईयर का फॉर्मूला देंगे, किसका, ईयर का, ईयर के अंदर हम दे देंगे किसका, टुडे का। टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, ये फॉर्मूला हमने शुरुआती क्लास में बताया था। अब इसको करते हैं मिडल, और यहां मेरा लोगो रखा है इसलिए इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम लेफ्ट से कर देते हैं, और फिर इसकी साइज धीरे 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 बढ़ाते हैं। साइज हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप चाहो तो इसका फॉन्ट एरियल से चेंज करके थोड़ा सा अलग दिखने के लिए कोई और बोल्ड फॉन्ट जो होता है वो आप ले सकते हो, थोड़ा सा अलग यूज, ठीक है, और मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूं, ठीक है। और साथ में मैं चाहता हूं कि यहां ये जो लाइन बॉर्डर है ना, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे का बॉर्डर चाहिए, ऊपर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए। तो हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और ए बॉर्डर और ए वाला बॉर्डर हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको रखते हैं एंड ओके।
लेकिन बॉर्डर बहुत पतला है, मैं चाहूँ थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो कैसे करें? यहाँ पे आप बॉर्डर की जो थिकनेस है, यहां से नहीं बढ़ा सकते, ये फाइनल है शायद। हाँ, बॉर्डर की थिकनेस नहीं बढ़ा सकते, मैं साइज नहीं बढ़ा सकते, कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेते। उसके बाद यहां हम एक लाइन को छोड़ते हैं, हम मुझे क्या कहते हैं, सबसे पहले चाहिए टोटल कॉल्स, कि टोटल कॉल्स कितनी की गई है, टोटल कॉल्स कितनी की गई है। यहां हम एक बार थोड़ा सा छोटा बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर देते हैं छोटा बॉर्डर, और एक यहां हम देते हैं, जी तीन, और इसको कलर कर देते हैं हल्की वाली, ये वाली कलर, ये चले, और इसको सेलेक्ट करके हम दे देते हैं डार्क ग्रीन, इसको और छोटा कर देते हैं, अच्छा ऊपर दो छोड़ दिया ना, इसको कॉपी करके उस पर डालते, ये पूरा ही भरा हुआ होना चाहिए। तो यहां पे हम टोटल कॉल्स लेके आए, फिर एक रो छोड़ूंगा अगले रो में सेम मुझे चाहिए, और टेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ लेकर आ जाता हूं। यहां अब इसकी कलर कुछ और कर, इसकी कलर मैं सेलेक्ट करता हूं रेड वाले में, यहां टोटल सेल्स है हमारा, तो ये हल्का सा ये सही रहेगा, ये वाला ये हल्का रहेगा सही, और इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मोटा करना है हमें, तो इसको हम डार्क कर देते हैं कि हमारा ये पार्ट ये सही रहेगा, तो ये भी ले सकते हो, ये सही रहा, लेकिन थोड़ा सा और इसको चौड़ा करें, इसको भी चौड़ा। डैशबोर्ड में सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करने में, ध्यान रखिएगा, इस कॉलम विड्थ को हम छोटा करते हैं, यहां हमारा आ जाएगा टोटल सेल्स, देन फिर इसको हम वापस कॉपी करते हैं और यहां पे एक कॉलम छोड़ के पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करते समय यहां पे हम स्कीप रो कॉलम विड्थ ले लेते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है हम यहाँ ब्लू वाला लेते हैं, सही रहेगा, तो ए इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे हम ये सही है, और यहां से इसकी कॉलम साइज छोटा करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ए, और उसके बाद हमें ये हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉल्स कितना हुआ, यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल सेल्स कितना हुआ, यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, और यहाँ निकालेंगे कि हमारा रिटर्न परसेंटेज कितना हुआ। रिटर्न परसेंटेज निकालना थोड़ा सा हमारे लिए रेडी है, माने कि नेगेटिविटी है कि भाई रिटर्न नहीं होना चाहिए, तो इसको हम फॉलो करेंगे रेड से, जो रेड दिखा ना रेड, तो हम यहाँ मोर फील्ड पे भी ले सकते हैं रेड वाला पार्ट, ये देखिए रेड, ये रेड इसी को रेड कहते हैं ना, हाँ ये लेते हैं, और ये पहले वाले कॉलम्स को हम कर देते हैं डार्क, और इसको छोटा करते हैं, ठीक है, जो हमने पेस्ट किया, तो पेस्ट स्पेशल कीप सोर्स कॉलम बेच, और ए जो है वो ए हमारा हो जाएगा रेड,
और ये हो जाएगा हमारा हल्का रेड, क्योंकि अब मैं पूरा रेड कर दूंगा थोड़ा सा आंखों को चुभेगा, इसलिए हम इसको कम रेड करेंगे। एक कॉलम को करते हैं यहां से छोटा, तो ये हमारा बन गया, हमारा जो बनाना है सो बन गया। अब चलिए बात करते हैं पीवर्ड, तो पीवर्ड्स की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे डेली सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीज लाऊं, पहला मंथ और दूसरा डे। तो मंथ में मुझे चाहिए जैन है मार्च, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के, नहीं टेक्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा, और यहाँ देते हैं डी, नहीं एम एम, मंथ आ जाएगा, जैन फेब मार्च जो होता है, तो यहां आ जाएगा। और फिर डेज के लिए हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला डेज, में डेज मुझे नंबर में चाहिए, तो हम यहां से डेज का घुमा लेंगे ताकि वो डेज आ जाए। यहाँ रैम बिटवीन फॉर्मूला लगा, डेट चेंज होते रहता है तो उसको इग्नोर कर, डेज दो फॉर्मूला लगे। अब इस पे लगाते हैं हम पीवर्ड, पीवर्ट में हम करते हैं यहाँ पे, जी बोलिए सर, जी, सॉरी क्योंकि इंटरप्ट के लिए, डे का फॉर्मूले में नंबर कैसे आया सर? ये डे तो का मैं फॉर्म, देखा था। डे का फॉर्मूला किसी डेट, सुनिए सुनिए, डे का फॉर्मूला किसी डेट से डेट को निकाल, डेज को निकालता है, जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। संडे मंडे नहीं निकालता है, ठीक है, संडे मंडे के लिए आपको टेक्स्ट के अंदर जाके DD DDD करना पड़ेगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं एक नया जो है सपोर्ट शीट लेता हूँ। पिवट में जब भी पिवट टेबल के जरिए आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो एक सपोर्ट शीट जरूर होता है, तो इसको इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल पे, और इसमें हम एग्जिस्टिंग वर्क पिवट टेबल पे आते हैं, सपोर्ट शीट पे आते हैं, यहां पे रख लिया। और यहाँ पे मुझे इस पिवट से क्या क्या स्लाइसर्स चाहिए वो हम इंसर्ट कर लेते हैं पहले, पर नहीं करेंगे पहले तो बाद में स्लाइसर्स को लिंक करना पड़ना पड़ जाए। तो सबसे पहले तो मुझे स्लाइसर्स में चाहिए डे, क्योंकि मेरा रिपोर्ट डे वाइज है, तो मैंने डेज को ले लिया पहला स्लाइसर। उसके बाद मैं यहां पे लेता हूं टाइमलाइन, सही वापस सॉरी, मैं पिवट पे क्लिक कर दिया, और पिवट पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं यहां और स्लाइसर नहीं टाइम लाइन पे ले लिया हमने डेट, ठीक है, और डेट हमारा मंथ वाइज है। तो यहां से हम इसको करते हैं कट। अब इसमें डेट वाइज का जो यहां पे आते हैं टाइमलाइन में, और टाइमलाइन में डेट है, रिपोर्ट कनेक्शंस है, ये हमारा अपना फॉर्मेट है, तो मुझे ग्रीन ही चाहिए, तो हमने ग्रीन इसका चूज कर लिया, और इसमें और कुछ नहीं है। स्क्रॉल चाहिए? नहीं चाहिए स्क्रॉल, क्योंकि मुझे हिडर चाहिए ऊपर जो है डेट, और नहीं चाहिए हटा दिया, सिलेक्शन लेवल नहीं चाहिए, टाइम लेवल, हाँ टाइम लेवल मुझे नहीं चाहिए बस, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, थोड़ा सा और इंसर्ट में यहां पे इसको कट करता हूं, कट करके डैशबोर्ड पर जाता हूं, डैशबोर्ड पे मैं इसको यहां फिट करता हूं, यहां इसकी जो टाइमलाइन है और इसका बाकी सब तो सेम है। इसका बॉर्डर वगैरह चाहिए नहीं ना, टाइमलाइन हो गया इसकी, फॉर्मेट हेल्प क्लिक, नहीं साइविन प्रॉपर्टीज में आए हम,
प्रॉपर्टीज नहीं, इसमें कोई सेटिंग नहीं है, और जो फॉर्मेटिंग में कोई सेशन सेटिंग होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग में कोई सेटिंग नहीं होगा। साइज है, पोजीशंस है नहीं, और इसकी जो बैकग्राउंड वगैरह की फॉर्मेटिंग होती है हम नहीं कर सकते। यहां से हम स्क्रॉल कर सकते ना, ठीक है। पावर बीआई में फैसिलिटी है कि इसको मैं ड्रॉप डाउन सिस्टम भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल हम इस चीज से काम चला लेते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए डेट, हमने डेट को यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। डेट को पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देता हूं, और मुझे इसको इसको भी चेंज करना है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ले लेते हैं ग्रीनी, ए वाली ग्रीनी ले लेते हैं, और यहां से कॉलम चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं कि सारे के सारे डेट्स मुझे यहीं पे दिख जाए, 10 सही रहेगा, 11 10 सही है, 11 बहुत छोटा हो जा रहा है। नहीं, यहाँ सही रहेगा। और इसकी भी सेटिंग में आते हैं, स्लाइसर सेटिंग, और स्लाइसर सेटिंग यहाँ पे डेज के लिए लिख देता हूं सेल्स डेट, यहां भी सेल्स डेट, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं क्योंकि तो कुछ चीजें छुप गई है। हाँ, और इसको यहां लाइनिंग अरेंज कर देते हैं, तो दो स्लाइसेस हो गए। अब चलिए हम अपना पिवट टेबल के डेटा वगैरह फिट, दो ही स्लाइस डेट वाइज है तो डेली में दो ही स्लाइस ऐड करना है हमें। अब यहां मुझे जो है सबसे पहले क्या ऐड करना है, टोटल कॉल्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पिवट टेबल के अंदर जो है, जैसे कि मुझे टोटल कॉल्स यहां दिखाने हैं, इसको मर्ज कर देते मर्ज, और यहां पे लिखते हैं टोटल कॉल्स, टोटल कॉल्स, टोटल कॉल, इसको मर्ज कर देते हैं ताकि सेंट्रल में रहेगा कॉपी। उसके बाद यहां भी आते हैं, यहां मर्ज करते हैं, यहां पे देते हैं सेल्स, देते हम प्रॉफिट, और यहां देते हैं रिटर्न, रिटर्न तो रिटर्न, और ये हमने मर्ज किया, यहां भी सेलेक्ट करके हमें मर्ज करना होगा, मार्च मार्च। अब पिवट के सपोर्ट पे आते हैं, अब पिवट में आते हैं, सबसे पहले चाहिए टोटल सेल्स, टोटल टोटल कॉल्स, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स पर डे, नहीं टोटल सॉरी इसमें रिटर्न। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल्स को रखता हूँ, टोटल कॉल्स यहाँ आ जाए, यहाँ पे टोटल कॉल्स, उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं पिवट टेबल के एनालाइज में, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड
यहां पे लिखता हूं प्रॉफिट, और यहां हम करते हैं सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट एड एंड कम, ये प्रॉफिट ये आया आपका। अब मैं एक बार इसको टैली करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पिवट टेबल का रिपोर्ट कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे तक ड्रैग करता हूं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इसका टोटल, हाँ गड़बड़ हो गई ना, टोटल है 1560568743। डैशबोर्ड में क्या, यहाँ पे पिवट में क्या आ रहा है 17390। तो प्रॉब्लम, तो क्यों ना मैं एक कॉलम यहां पे ऐड कर देता हूं, नहीं, प्रॉफिट ये तो क्वांटिटी है ना हमारा, सॉरी सॉरी क्वांटिटी है, तो इसमें ये नहीं होगा, मुझे एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो जी, सम ऑफ प्रॉफिट हटा देता हूँ, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहां से, प्रॉफिट हटा देता हूँ, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज रखना है, और इसके अंदर हम सम काउंट ईयर को कर दिए सर जी, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज, और इसके अंदर हम जो है प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे एवरेज कर देते हैं, एवरेज यहाँ हमारा एवरेज आ गया, एवरेज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन सबको हमें डैशबोर्ड पे लिंक करना है, इक्वल हमने सपोर्ट पे गए और यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, फिर यहाँ पे आते हैं इक्वल हमने वो वापस सपोर्ट पे आए, टोटल कॉल्स टोटल सेल्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं इक्वल सपोर्ट पे आते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वहां इसको देखते हैं, और यहाँ पे इक्वल हम रिटर्न को देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसका जो बोल्ड करेंगे, और इस पे जो कलर देंगे, एक ग्रीन जो है ग्रीन वाला कलर हो जाएगा, इसको भी बड़ा करते हैं, और इस पे भी जो कलर, सही बोल, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी बड़ा करते हैं, और इसको कलर ब्लू देते हैं, और इसको भी बोल्ड कर, रिटर्न रिटर्न को भी बड़ा करते हैं, और इसको तो कलर रेड देना ही है तो फिक्स है, और इसको बोल्ड, और थोड़ा सा बड़ा हो, सर बोलिए ऐसा अभी क्या होगा कि मैं ऑफिस में अगर ये डैशबोर्ड बनाते हैं जी, बाहर बनाता हूँ बाहर बना तो कैसे तो बड़ा रहता है तो उसकी जो स्पेस ज्यादा रहता है तो कुछ ऐसा ट्रिक है कि अभी यहाँ पे जैसे नंबर आपके इतना बड़ा नहीं रहा तो अगर फिगर में काउंट करूँ हाँ, तो तो इसको, जीरो को हाँ इसको जीरो आप कर दीजिए वहां पे, हैश कॉमा इसको 1000 में कन्वर्ट कर दीजिए, बिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए कस्टम फॉर्मेटिंग से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए डेट वाइज बार, अब यहाँ पे जो है डेट वाइज बार चार्ट चाहिए, ठीक है, डेट वाइज क्या चाहिए, बार चार्ट, तो मैं यहाँ पे अब पिवट में नया नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमने नया पिवट लगाएंगे तो स्लाइसेस को लिंक करना पड़ेगा, हमारा जो पिवट लगा है इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम जो है सिर्फ सेल्स लेना है हमको, तो कॉल्स वगैरह हटा देते हैं यहाँ, कॉल्स और सेल्स दोनों, सेल्स और रिटर्न ऑर्डर एंड सेल्स का रेशियो देना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर पहले आएगा लाइन में, और ये हम डेज वाइज भी देते हैं, हमारा जो यहाँ पे देखिएगा डेज आया होगा, डेज टोटल, ठीक है, तारीख वाइज,
अब इसके ऊपर हम यहां लगाते हैं अपना कॉम्बो चार्ट। यहाँ कॉम्बो चार्ट दिख रहा होगा, कॉम्बो चार्ट के अंदर हम ए वाली कॉम्बो, या ए सही रहेगा, ए वाली कॉम्बो लेते हैं। अब इसको यहां से मैं कट करता हूं, कट करके डैशबोर्ड पे यहां रखता हूं। रखने के बाद ये सब ये जो आ रहा है इसको हटा देता हूँ, ये जो ये ऊपर जो आईडी वाईडी आता है इसको रिमूव कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक कर हाइड ऑल बटन्स कर देता हूँ। ये जो यहाँ आ रहा है सम ऑफ चार्ट वगैरह इसको भी रिमूव कर देता हूँ और चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, और इसको ऊपर ले जाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा, अब सर इसको अगर इसमें इसमें अगर हेड और फुट एक्स्ट्रा करेगा तो प्लीज सर देना सर कॉपी हाँ ले में सकते हैं। ओके कॉपी में नहीं सर देना जी एक्स्ट्रा हाँ जी, अब कॉम्बो चार्ट को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर, मेरा मेरे हिसाब से ये चार्ट मेरे लिए डिजाइन सही है, लेकिन ये जो ये मतलब बहुत पतला पतला है, तो राइट क्लिक करके मैंने इसको गया फ्रॉम ए डेटा सीरीज पे, और इसकी जो ओवरलैप है ना, नहीं यहां से गैप गैप को कम कर दिया। गैप को कम करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसके इसके ऊपर सिलेक्ट करके राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल करते हैं, लेकिन इससे बेटर होगा कि हम इसको लाइन चार्ट में करें, कॉलम चार्ट ना करें। तो मैं यहां से चेन चार्ट टाइप, तो इसको मैं लाइन चार्ट देता हूं। लाइन चार्ट में मैं यहां, नहीं लाइन चार्ट भी सही नहीं दिख रहा, कॉलम चार्ट ही सही था, ये चार्ट सही था। चलिए अब इसके बाद मुझे वापस सपोर्ट शीट पर आते हैं, यहाँ पे एक चार्ट को और यहाँ लेते हैं। मुझे मंथली सेल्स का शेयर चाहिए कि किस मंथ में कितना शेयर हुआ है, मंथली सेल्स शेयर चाहिए। तो राइट क्लिक मैं यहाँ पे फिल लिस्ट पे आया पिवट कॉपी करके, और यहाँ हम इनको सेल्स का शेयर ही चाहिए ना, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, कॉल्स हटा दिया, और यहाँ पे अपने मंथ को जो हमारा मंथ है यहाँ डाल दिया। मुझे यहाँ पे नंबर नहीं परसेंटेज चाहिए, सेल्स शेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, सो वैल्यू एज में कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ कॉलन टोटल एंड ओके करेंगे, तो ये परसेंटेज आ गया। अब इसको इंसर्ट करते हैं अपना ए वाली चार्ट, 3D चार्ट, इसको कट करते हैं और डैशबोर्ड पे जाते हैं, और यहां पे मुझे वो दिखाना है। यहां हमने डाल दिए, अब इसके ऊपर डिजाइन में आके हम थोड़ी सी अपनी डिजाइनिंग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ये सही रहेगा, ये तो नंबर्स है, नंबर्स नहीं आएगा सही, ये परसेंटेज ऐसे, ये परसेंटेज ठीक दिख रहा है। तो अब इसको मैं ये यहां से मंथ नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन्स कर देता हूँ, टोटल के जगह पे यहाँ पे टोटल हेडिंग लेने आ देता हूँ मंथ सेल्स शेयर, ओके। और ये कौन से महीने का है पता नहीं चल रहा है, तो फॉर्म में डेटा लेवल पे आता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे कैटेगरी नहीं, कैटेगरी नाम डाल दूंगा तो बेटर है, ठीक है। और इसको यहां रखता हूं और थोड़ा सा छोटा करता हूं, सही है सर। और यहां इस चार्ट को सेलेक्ट करता हूं, इस चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहां प्लस का साइन दिख रहा है एलिमेंट, जिसमें मुझे चार्ट टाइटल ऐड करना, चार्ट टाइटल यहां पे हम लिखेंगे डेली
ऑर्डर वीएस सेल्स, और इसकी साइज थोड़ी सी यहां जाकर हम बढ़ा देंगे 14 से थोड़ा सा बड़ा सेल्स कर, सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा दे, ठीक है समझे सर। अब यहां से मैं ये जो कॉलम का है कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, लाइनिंग जो है ये हटा देता हूं, और इसका जो बॉर्डर है राइट यहां पे राइट क्लिक करता हूं चार्ट पे, और यहां पे पिवट चार्ट ऑप्शंस नहीं है, राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट पे, फॉर्मेट चार्ट एरिया, चार्ट को सिलेक्ट करना है यहां से, यहां यहां सिलेक्ट किया राइट क्लिक प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करना है, चार्ट को सिलेक्ट कीजिए राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसकी बॉर्डर्स पे, बॉर्डर्स पे इसकी बॉर्डर का जो कलर है ये मैं कर देता हूँ ग्रीन, और बॉर्डर की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और इसका भी सेम F4 कर देते हैं, वो इसका भी सेम नहीं, इसका सेम ब्रांड मेनू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बॉर्डर्स, यहाँ पे सॉलिड कलर यहां दे देता हूँ ग्रीन, इसकी साइज भी बढ़ा दो, ठीक है, और यहां से इसको डालता हूं। अब एक चीज और ही है, अब जैसे कुछ लोग जैसे इसके आइकन्स भी रखते हैं, क्या रखते हैं आइकन्स, देखिए जो स्मार्ट आर्ट होते हैं ना वो, तो इंसर्ट में आप जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में जाएंगे तो पिक्चर्स दिखेगा या सैप्स दिखेगा या आइकन भी आप देख सकते हैं आइकन। अब यहां आइकन सेलेक्ट कर लीजिए कि यहां पे कॉल्स, तो एक कॉल्स का आइकन दिख रहा है, तो ये ले लीजिए इंसर्ट कर, ठीक है, और ये इसकी कलर थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए ना, और इसको यहां से छोटा कीजिए और आराम से यहां पे सेट कर, अच्छा लग रहा है ना सर। अब आता है सेल्स, तो इसके भी हम यहाँ इलस्ट्रेशंस में आते हैं और आइकन्स, और यहाँ पे हम सेल्स का सब करते हैं, नहीं सेल तो होम आ रहा है, क्वांटिटी नहीं, इमेज में आते हैं सेल्स क्वांटिटी, इलस्ट्रेशन में सेल्स नहीं आ, अच्छा यहाँ पे मैं आइकन में प्रोडक्ट देता हूँ, प्रोडक्ट तो ये दे दीजिए, ये सही रहेगा, इंसर्ट, इसकी कलर जो है हम यहां चेंज कर देते हैं, इसकी सेल्स यहां पे कीजिए छोटा, और इसको उठा के रख दीजिए यहां, ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट अगेन और लिस्टेशंस आइकन्स, इसमें हम प्रॉफिट सर्च कर लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है बट सही रहेगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो सही रहेगा, प्रॉफिट के लिए यही सही रहेगा ना, या रुपीज का सिंबल लेना है तो रुपीज का सिंबल ले लीजिए, लेकिन मैं ये ले रहा हूं मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि हार्ड केयर सबको अच्छा लगता है, अब यहां पे हम अब रिटर्न के लिए देखते हैं क्या होता है, मुझे लगता है रिटर्न भी कुछ मिलेगा, स्टेशन आइकन रिटर्न,
ये सही रहेगा ना, रिसर्च और रिटेन तो हमेशा रेड होता है, तो हम यहाँ पे इसको रेड लेते और इसको छोटा करते हैं। अब यहां पे कॉल्स, टोटल कॉल्स आप देख पा रहे हैं, राइट। तो एक कॉल्स हमेशा हमारे ऑर्डर जो है, टोटल ऑर्डर जो है, टोटल ऑर्डर का ये होना चाहिए। कॉल्स जो है टोटल ऑर्डर का, मतलब कॉल्स ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो 30% से 30% से कम नहीं होना चाहिए, डिफरेंस। ठीक है, तो हमें पिवट पे आते हैं और पिवट पे हम ये चीज ऐड करने की कोशिश करें। तो कि आप लोग भी इसको ऐड कर सकते हैं। यहां पे हमने ऑर्डर रख दिया, ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स, ये हो गया हम, ये हो गया कॉल्स, ये हो गया ऑर्डर। तो हम दोनों का डिफरेंस यहां निकालते हैं। और यहां पे हम देते हैं सपोर्ट में, कॉल्स माइनस ऑल, और इन सबको देते हैं ब्रैकेट में, डिवाइड बाय सपोर्ट में हमारा ऑर्डर और परसेंटेज, और ये पूरा हमें 100% से 1 माइनस करना है पूरा। ब्रैकेट में एंटर 190% कैसे हो गया, सॉरी 10%, क्योंकि माइनस में रिजल्ट आया ना इसलिए। और इसको हम यहाँ पे बिंग करना है और राइट में लिखना है, और इसके ऊपर हमें आइकन सप्लाई करने हैं, ये वाली, सॉरी ये वाली अप डाउन, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने रूल हेलो हेलो जी, हाँ हो गई, वो 45 मिनट का सेट होता है ना, 45 मिनट खत्म हो गए। नहीं, अब नहीं हुआ, अब जो है बात करते हैं कुछ, ठीक है। Like and apply and तो 0% से ऊपर, अच्छा माइनस में जाएगा तो प्रॉफिट, इसके बाद यहां मैनेज रूल्स में आते हैं और इस पे हम सिर्फ 100 आइकॉन लिखते हैं, ओके देन अप्लाई एंड, इस तरह के बाकी सब में भी करेंगे। इसको साइड में कर देते हैं यहां पे सेंट्रल से, ताकि नंबर के साथ अटैच दिखे। अच्छा तो बाकी उन्हें नहीं करेगा, तो ये डैशबोर्ड हमारा प्रिपेयर। थैंक यू। तो जो लोग YouTube पे मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और किसी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और थैंक यू।